हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश विभिन्न भूमिकाओं में ईश्वर के रूप हैं। सबकी भूमिका दोस्तों अलग है, लेकिन दैवी अंश है, ईश्वरी अंश है। ईश्वर के रूप में सभी कल्याण के निमित्त हैं। ऐसे ही विद्यालयों में चाहे शिक्षा सहकर्मी हो, शिक्षा मित्र हों, एक ही प्रांगण में दोस्तों काम करते हैं। कहीं सहायक शिक्षक के पद पे कोई कार्य कर रहा है, कोई शिक्षा मित्र है, कोई अनुदेशक है, कोई इंचार्ज सहायक अध्यापक है, तो कोई फुल फ्लेज्ड प्रधानाध्यापक है। सभी शिक्षा के निमित्त हैं। सभी की अपनी गरिमा है, सभी की अपनी मर्यादा है, सभी की अपनी ज़िंदगी है, सभी की अपनी ज़िंदगी में अपनी समस्याएं हैं और उसका निस्तारण दोस्तों ज़रूरी है। दोस्तों, शिक्षा मित्र जो कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे संघर्ष से दोस्तों गुजरे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों मानदेय मिलता है। लेकिन दोस्तों, COVID-19 वैश्विक महामारी के कहर से समाज का हर तबका प्रभावित हुआ है। कई शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि बहुत ही अच्छे रहे, उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन दोस्तों वो काल के गाल में समा गए। ऐसे ही शिक्षा मित्रों के परिवार के जन हैं। दोस्तों, शिक्षा मित्र के पद पे कार्य करते हुए COVID-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण की जद में आना और दोस्तों असमय काल के गाल में समा जाना, ये दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम एक दो केसेस को लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों ऐसे तमाम केसेस हैं, उनका परिवार मुफलिसी की ज़िंदगी जीने को विवश है। 2 जून की रोटी भी दोस्तों जुटा पाना एक कठिन कार्य है, एक दुष्कर कार्य है। ऐसे परिवार सरकार के सामने करुणा भरी दृष्टि लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें न्याय आखिर कब मिलेगा दोस्तों? ये वीडियो पूरी तरीके से फोकस है शिक्षा मित्र के परिवारों को दोस्तों न्याय मिले और शिक्षा मित्र पद पे रहते हुए जो संघर्ष की कहानी शिक्षा मित्र भाई बहनों ने झेली है, अब वो सरकार के सामने दोस्तों एक प्रकार से उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रांगण में लोग सेवा दे रहे हैं और सरकार उनका नियोजन शिक्षक पद पे दोस्तों करे, उनके साथ एक प्रकार से मर्सीफुल तरीके से दोस्तों सरकार को पेश आना होगा। और ख़ास तौर पे COVID-19 वैश्विक महामारी से जो परिवार चपेट में आए और उनके घर परिवार के जो आश्रित हैं, जो दोस्तों रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं, ख़ास तौर पे उनके साथ न्याय होने की ज़रूरत है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन किया था, निरस्त 10,000 रुपये मानदेय पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्र हो चुके हैं निराश। शिक्षा मित्र 4 साल से इस आस में कि कब सुनेगी सरकार। दोस्तों बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों के परिवार की दयनीय स्थिति के। ये सिर्फ जो बात इस वीडियो में करूँगा केवल 2 उदाहरण हैं। ऐसे न जाने कितने शिक्षा मित्र चुनाव और कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमण से चल बसे। उनके परिजन 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के निधन पर उनके परिवार के 1 सदस्य को शिक्षा मित्र पद पर ही नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। 3 साल से हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का दोस्तों इंतजार वो कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों को 3 साल से हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की थी। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांगों में 12 माह का मानदेय,
देते हुए सेवाकाल 62 वर्ष करने, मानदेय बढ़ाने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, टीटी पास सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने, 14 सीएल व निःशुल्क चिकित्सा सहित तमाम लाभ देना शामिल था। इस कमेटी की बैठक 20 अगस्त 2018 को हुई थी, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी है। 2 चरणों में दोस्तों 1,37,000 शिक्षा मित्रों का हुआ था समायोजन। उत्तर प्रदेश में 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू हुई। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में ये 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू हुई। अक्टूबर 2005 में मानदेय उनका 2250 से बढ़ाकर 2400 हुआ। 15 जून 2007 को मानदेय 2400 से 3000 रुपये हुआ। 11 जुलाई 2011 को 2 वर्षीय प्रशिक्षण का आदेश हुआ। 23 जुलाई 2012 को कैबिनेट ने समायोजन का निर्णय लिया। 19 जून 2014 को 60,442 और 8 अप्रैल 2015 को 77,075 का समायोजन हुआ। 6 जुलाई 2015 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। 12 सितंबर 2015 को हाई कोर्ट ने समायोजन निरस्त किया। 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और 25 जुलाई 2017 को समायोजन को गैर कानूनी ठहराया गया। अगस्त 2017 में मानदेय दोस्तों 10,000 हो गया। अब तो दोस्तों ये तो रही उनका किस रूप में संघर्ष रहा कि उनको सरकार ने एक निश्चित मानदेय पर रखा, मानदेय में वृद्धि की और उसके बाद समायोजन किया गया शिक्षक पद पे, उन्हें दोस्तों कुछ माह वेतन भी मिले। उसके बाद उन्हें फिर से ज़मीन पे आना पड़ा और शिक्षा मित्रों ने दोस्तों इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ा संघर्ष किया। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जो मानदेय है दोस्तों 10,000 रुपये फिक्स कर दिया। ये तो दोस्तों संघर्ष की दास्तां रही। और आप देख सकते हैं अभी जो केस वन है, जो केस स्टडी वन जो मैं लेने वाला हूँ वो ये है कि प्राथमिक विद्यालय सिंघौरा के शिक्षा मित्र नीतू सिंह का 13 मई को कोरोना से निधन हो गया था। 14 अप्रैल को चुनाव ड्यूटी करने के बाद से उनकी तबीयत खराब थी। फूलपुर के हसनपुर गांव की 2002 से शिक्षा मित्र नीतू अपने पीछे बेरोजगार पति श्री जैनेन्द्र सिंह और 11वीं में पढ़ने वाले बेटे को छोड़ गई, लेकिन पंचायती राज विभाग से मिलने वाली 30 लाख की मदद उनके परिवार को दोस्तों नहीं मिली, जबकि ये मदद शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों को दोस्तों मिली है जिनकी कोविड से डेथ हुई। एक केस दोस्तों ये रहा। दूसरा केस ये है कि बीर काजीपुर फूलपुर के ज्योति प्रकाश का निधन कोरोना से 15 अप्रैल को हो गया था। चुनाव ड्यूटी के दौरान निधन होने के बावजूद परिजनों को 1 रुपये की भी सहायता राशि नहीं मिली। पत्नी श्याम प्यारी, 2 बेटे और 1 बेटी का सहारा छिन गया। परिवार का खर्च श्याम प्यारी के परिजनों की मदद से चल रहा है। दोस्तों दो केस ऐसे हैं जहां पे सरकार की जो मदद होनी चाहिए, आर्थिक मदद, सांवेगिक मदद, एक इमोशनल टच होना चाहिए, क्योंकि ऐसे परिवारों ने एक नौकरी पेशा को खोया है। नौकरी चाहे जैसी हो, शिक्षा जगत का मामला था और यहां पे जो परिवार किसी घर परिवार पे ही दोस्तों आश्रित हैं, परिजन पे आश्रित हैं, उनके परिवार को दोस्तों न्याय की ज़रूरत है। और इस तरीके के केसेस अगर सरकारी मशीनरी में रिपोर्ट होते हैं तो गवर्नमेंट को दोस्तों बहुत ही तेज इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मित्र के रूप में परिवार का एक सदस्य नौकरी पाए और उन्हें आर्थिक सहायता भी मिले, ये दोस्तों समय की ज़रूरत है, समय की मांग है, ताकि ऐसे परिवार दोस्तों बिखरने से बच सके। अब यहाँ पे बात हो रही कि अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए सरकार अपने संकल्प पत्र में दिए गए वादे के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 1,55,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाए। जुलाई 2017 में समायोजन निरस्त होने से अब तक हजारों शिक्षा मित्रों की जान अवसाद के कारण चली गई। आज उनका परिवार जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। अनिल यादव हैं दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ के, उनका ऐसा ओपिनियन है, उनका ऐसा अभिमत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों ने समय समय पर संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है अपने सम्मान के लिए, अपनी मर्यादा के लिए और शिक्षक पद पे उचित सम्मान के लिए और घर परिवार के दोस्तों पोषण के लिए ये समय समय पे उनके द्वारा मांग दोस्तों की गई। ये भी एक चेहरा रहा दोस्तों जब शिक्षा मित्रों ने ध्यान आकर्षण के लिए इस तरीके से भी अपनी करुण दशाओं को दोस्तों उकेरा
और सरकार इन्हीं सब दशाओं की वजह से दोस्तों मानी और 10,000 रुपये दोस्तों मानदेय हुआ। लेकिन आज इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे परिवार जो कि COVID-19 वैश्विक महामारी के शिकार हुए हैं, उनके जो आश्रित हैं उनको आर्थिक लाभ मिले, उनके परिवार को दोस्तों नौकरी मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।